वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रविवार को वाराणसी पहुंची हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसके लिए आईआईटी बीएचयू में आज से स्टूडेंट काउंसिल सर्विसेज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। आईआईटी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में रोज 20 भाषाओं में 900 टेली काउंसलर 3000 छात्राओं को मेंटल हेल्थ एडवाइस देते हैं, 3 लाख छात्रों की काउंसलिंग भी हो चुकी है। आईआईटी बीएचयू में टेक्नोक्रेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सेवा लॉन्च की है, 900 ट्रेंड टेली काउंसलर तैयार किए गए हैं। इस सेवा को टेली मानस कहा गया है। सभी टेली कॉलर फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटल हेल्थ पर छात्रों की काउंसलिंग कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि सरकारें स्टूडेंट्स के मेंटल वेलनेस को लेकर क्या कर रही है। हमने बड़ा कदम उठाया है। लाखों सालों में भारतीय सभ्यता का विकास हुआ। भारत के परिपेक्ष में मेंटल वेलनेस काफ़ी ज़रूरी मुद्दा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस हो या कोई और स्ट्रेस, इसके पीछे कई वजह होती हैं। प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ी वजह है, इसलिए हेल्दी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरा पब्लिक ओपिनियन सबसे बड़ा इसका मुद्दा है। अच्छे अंक या कम अंक आने पर आपके सगे संबंधी या मित्र कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह काफ़ी ज़रूरी है। नेगेटिव प्रतिक्रिया स्टूडेंट्स के मेंटल स्ट्रेस के पीछे सबसे बड़ी वजह है। वित्त मंत्री मेंटल हेल्थ पर छात्रों और प्रोफेसरों से बातचीत भी की। स्टूडेंट वेलनेस वीक एंड इन विच यू आर गोइंग टू हैव आल्सो द लॉन्च ऑफ अ रीडर्स सर्कल व्हिच इज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। It's, I think, a great step forward. It's one thing to have a wellness week. It's one thing to have great counseling. It's also one thing to say, no, we assist the students 24/7. But this one step of a reader's circle, I think is just so good. I can't tell you how good I feel about it. In this setup, in this era when everything is so digital and all of you all are absolutely smart in that digital use, to recall the importance of reading, to have a reading reader's circle, and to say you're going to have a kind of a book club with which you're going to promote reading, get books and so on, is simply so fascinating. And especially in the context of wellness. So I won't go into the details of what the Wellness Week is going to do, what it's going to do to you and so on. I'll divide my opening remarks into two large buckets. One to say briefly, I'm not going to do a very big list of things, briefly of what the government is doing for mental wellness of students. Because as a representative of the government, it's my duty to say that this government has...